मित्रों नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पे जिसका नाम है उत्कर्ष भजन गोविंद सर। प्यारे दोस्तों, आज है 7 जून, माने 7 जून की बात कर रहा हूँ और आज वर्ल्ड लेवल पे मनाया जा रहा है वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे, अर्थात विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस के रूप में पेरिस दोस्तों आज मनाया जा रहा है। तो आज की जो जानकारी है उसको ध्यान से सुनना है। मैं आपको बता दूं दोस्तों कि आज का जो दिवस है स्पेशली जो मनाया जा रहा है वह खाद्य सुरक्षा के आधार पर मनाया जाता है। पेरिस दोस्तों इस बात को ध्यान रखेंगे। आज के दिवस का जो मुख्य विषय है सेफ फूड टुडे फॉर ए हेल्दी टुमारो, ये आज के दिवस का मुख्य विषय है और इस थीम से ही दोस्तों बड़ा स्पष्ट है कि भोजन बर्बाद नहीं करना है। एक अच्छे भविष्य के लिए आज का जो हमारी नैतिक जिम्मेदारी है वह यह है कि फूड सेफ्टी बहुत जरूरी है, हम सबको मिलकर के इस पे काम करना होगा। प्यारे दोस्तों वर्ल्ड लेवल की बात कर रहा हूँ कि भोजन बर्बाद नहीं होना चाहिए। सबसे बड़ी बात दोस्तों बता दूं, इस दिवस को मनाए जाने की जो विचारधारा है वह कहां से उत्पन्न हुई है मैं आपको बता दूं। 2018 में पेरिस दोस्तों UNGA, आप जानते होंगे यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली की बात कर रहे हैं, माने जो आपका संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा इसकी प्रोक्लेमेशन की गई थी, माने घोषणा की गई थी। और मैं दोस्तों आपको बता दूं आगे चल के वर्ल्ड हेल्थ असेंबली के द्वारा 2020 में एक विशेष प्रकार का प्रस्ताव पास कर दिया गया इस दिवस को मनाए जाने के लिए। और दोस्तों जब बात आती है इस दिवस को आगे बढ़ाने की तो दो संगठन बड़े ही इंपॉर्टेंट हैं, एक तो है आपका WHO और दूसरा है FAO। WHO आपको पता ही होगा, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की दोस्तों बात कर रहे हैं, जो 7 अप्रैल 1948 को बना था और इसका जो मुख्यालय है वह कहां पर है, वह जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। और यहां पर दूसरा संगठन जो WHO के साथ काम कर रहा है आज के दिवस के लिए वो आपको पता होना चाहिए पेरिस दोस्तों, वो है FAO अर्थात फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। जी हाँ, वही संगठन है पेरिस दोस्तों। अगर हम FAO की बात करें इसका जो मुख्यालय है वह रोम इटली में है। समझ पा रहे हैं, ये हो गई बात इस दिवस को आगे बढ़ाने के लिए। और यहाँ पर जानना जरूरी है पेरिस दोस्तों कि भारत के परिप्रेक्ष्य का एक बहुत ही महत्वपूर्ण संगठन है वह कौन सा है पेरिस दोस्तों, वह है संगठन आपका FSSAI। इसका मतलब है फूड एंड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया की बात कर रहे हैं, भारतीय खाद्य सुरक्षा मानक प्राधिकरण की दोस्तों बात कर रहे हैं। और ये वही संगठन है पेरिस दोस्तों जो कि आपका 2006 में एक विशेष प्रकार का खाद्य सुरक्षा अधिनियम पास किया गया था, उसके तहत ही ये व्यवस्था करी गई कि जो है ये संगठन स्थापित होगा। और बात वर्तमान समय की करें तो 2011 में FSSAI की जो स्थापना हुई थी, और इसका मुख्यालय कहां पर है पेरिस दोस्तों, इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में और रीता तोतिया जो हैं वो इस समय इसकी हेड है, डायरेक्टर जनरल है। ठीक है, ये वही खाद्य सुरक्षा संगठन है दोस्तों जो खाद्य सुरक्षा की दिशा में लाइसेंस जारी करता है, जिससे कि अनावश्यक कोई गंदा पदार्थ या फिर प्रदूषित पदार्थ आम जनता तक ना पहुंचे, इसलिए ये संगठन जो है वह क्या करता है, वह लाइसेंस प्रदान करता है। यही बात इस वीडियो के माध्यम से बतानी थी। मेरा प्रयास आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। मैं आपको दोस्तों बता दूं कि उत्कर्ष भजन जो है वह टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप, यूट्यूब आदि पे उपलब्ध है, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दी है, आपको जाकर के करना है विजिट। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया, थैंक यू, जय हिंद।